हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल मास्टर जी। तो नाइन्थ क्लास में मास्टर जी में बेटा जी, आज हम हिंदी सब्जेक्ट का काव्य खंड देखते हैं। काव्य खंड में है पहला चैप्टर पद, और ये पद लिखे हैं रैदास जी ने। तो आप रैदास, अब पद को पढ़ने से पहले, उनका अर्थ समझने से पहले, भावार्थ समझने से पहले, हम थोड़ा सा रैदास के बारे में पढ़ लेते हैं। तो रैदास जी जो थे, उनका जन्म 1388 यानी 1388 को, और उनका निर्वाण यानी उनकी मृत्यु 1518 में बनारस में ही हुई थी। जन्म बनारस में और मृत्यु भी बनारस में हुई थी, और वो रैदास के नाम से विख्यात थे। उनका नाम था रविदास, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि वो बनारस में ही जन्मे और बनारस में ही उनका निर्वाण हुआ, मृत्यु हुई। इनकी ख्याति से प्रभावित होकर जो सिकंदर लोधी था, उसने दिल्ली आने का उन्हें निमंत्रण भेजा था। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है, विशेष स्थान है। कबीर की तरह ही रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। इन्होंने भी मूर्ति पूजा हुई, तीर्थ यात्रा, ऐसे दिखावे का विश्वास नहीं किया उन्होंने। इनको विश्वास नहीं था मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा वगैरह में। वह व्यक्ति के आंतरिक भावना और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास ने अपनी जो काव्य रचनाएं की हैं, उसमें सरल व्यावहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, क्योंकि उस समय ब्रज भाषा जो थी वो कविताओं की भाषा थी। जैसे आज के खड़ी बोली है किसी ने किसी में किया, तो उस समय ब्रज भाषा ज्यादा फैली हुई थी, जिसमें अवधि, और उन्होंने अवधि, राजस्थानी और खड़ी बोली, उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण किया। मतलब ब्रज भाषा के साथ साथ इन भाषाओं के भी कुछ कुछ शब्दों को उन्होंने अपनी पद में ऐड किया है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं, ठीक है। सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी ही सफाई से प्रकट किए हैं, बड़ी ही सरल भाषा में बताए हैं। इनका आत्मनिवेदन यानी जो प्रार्थना करना होता है, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के यानी जो पढ़ने वाले हैं उनके हृदय को उद्वेलित करते हैं, उनके हृदय को छू लेते हैं। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो दो पद दिए गए हैं आपके पाठ में, उसमें पहले पद में क्या है, रैदास जी ने के दो पद लिए गए हैं। उन पहले पद में प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, मैं कभी अपने आराध्य यानी जिनकी वो आराधना करते हैं, आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना की है कि तुम चंदन हो तो हम पानी हैं, ठीक है। उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं रहते हैं, उनके प्रभु कहाँ रहते हैं, हमेशा उनके मन में विद्यमान रहते हैं। और यही नहीं, वे हर हाल में हर समय उनसे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है, इसलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। और दूसरे पद में ही उन्होंने भगवान की अपार उदारता, मतलब वो भगवान कितने उदार हैं, कितने कृपालु हैं, कितने समदर्शी स्वभाव के हैं, उसका वर्णन किया है। रैदास कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है। उन्होंने ऊंच नीच नहीं देखा कि ये ऊंचे कुल का है तो हम इसको अपने इसको सम्मान दें और नीचे कुल का है तो अपमान करें, ऐसा नहीं। उन्होंने निम्न कुल के भक्तों को भी अपनाया है और सम्माननीय स्थान दिया है, ठीक है। अब देखते हैं उनके पहला पद जो है उसमें क्या है। पहले पद में उन्होंने क्या बताया है, इसको हम पढ़ते हैं और देखते हैं। पहला पद है बेटा, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी,
प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाति अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको रैदासा यहाँ होने से, जैसे आते हैं ना संदर्भ प्रसंग लिखने के लिए, तो संदर्भ सब प्रसंग करिए, है ना, तो क्या लिखना पड़ता है हमें, भावार्थ तो हम कर लेते हैं, है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे कि हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ पद से लिया गया है, जिसकी रचना रैदास जी ने की है। तो इस तरह से आप लिखेंगे, है ना। अब है भावार्थ। कवि जो है अपने इष्ट देव, अपने भगवान, अपने प्रभु को याद करते हुए उनसे क्या मांगते हैं, उनसे कहते हैं कि अब राम नाम की रट हमें लग गई है, तो हम अब नहीं छूट सकते। तुम्हारी ऐसी रट लग गई है कि वो अब नहीं छूट सकती। अब तो मैं तुम्हारा क्या हो गया हूँ, परम भक्त हो गया हूँ। तुम में और मुझ में वही संबंध हो गया है, वही रिश्ता हो गया है, जैसे चंदन और पानी में होता है। चंदन और पानी में क्या होता है, चंदन जैसे ही पानी में मिलाओ, घिसो, तो उसका घिसते रहने से पानी में भी उसकी क्या हो जाती है, खुशबू फैल जाती है ना। खुशबू तो चंदन में होती है, पानी अलग करो चंदन अलग रखते हैं, तो आप देखना चंदन में तो खुशबू आएगी, पानी में नहीं आएगी। लेकिन घिस कर जब हम भगवान को लगाते हैं, अपने से अपने माथे पर लगाते हैं, तो क्या होता है, उस पानी में मिलकर ही तो उस पानी की खुशबू, उस पानी में ही तो वो खुशबू आ जाती है। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि आप उसी प्रकार मेरे भी बिल्कुल अंग अंग में इतनी भक्ति समा गई है, आपकी भक्ति की सुगंध समा गई है। फिर प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। हे प्रभु तुम बादल हो तो मेरा मन मोर है, जैसे बादलों को देखकर, बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर क्या करते हैं, मोर नाचने लगते हैं, है ना। चकोर चांद को एक तक देखने लगते हैं, वैसे ही तुम्हारी भक्ति से मेरा निरंतर मन लगता रहता है, है ना। हे मेरा मन तुम्हारी ही भक्ति में निरंतर लगा रहता है, तुम्हारी भक्ति की घड़घड़ाहट सुनते ही मेरा मन क्या करने लगता है, मोर की तरह नाचने लगता है और चकोर की तरह तुम्हें एक तक निहारता रहता है। हे प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। हे प्रभु तुम क्या हो, तुम दीपक हो तो हम बाती हैं, है ना। तुम दीपक हो तो हम बाती हैं, दीपक की तरह हो तो हम उस बत्ती की तरह हैं, जो दिन रात भक्ति में, आस में, भगवान की उपासना में अपना अस्तित्व जलाती रहती है, आप में ही भरोसा करती रहती है, चाहे कैसी भी दिन हो, कैसा भी कुछ हो, बस भगवान की भक्ति में ही लीन रहती है। हे प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। हे प्रभु जी तुम क्या हो, मोती के समान हो तो मैं धागा हूँ। धागा में जैसे मोती में मोती पिरो देते हैं, माला बना लेते हैं, ऐसे ही तुम मोती के समान उज्जवल, है ना, कितने पवित्र, कितने सुंदर हो, और मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूँ। मतलब आपका, आप जो भगवान हो, हम आपकी मतलब उस धागे की वैल्यू कब बढ़ती है, जब उसमें मोती डल जाते हैं। तो ऐसे ही तुम्हारे भी, तुम्हारा और मेरा संबंध क्या है, हो गया है सोने और सुहागे के समान हो गया है। जैसे सुहागे के संपर्क में आकर सोना क्या हो जाता है, और खरा हो जाता है, ऐसे ही आपके संपर्क में आकर मेरा मूल्य बढ़ गया है। जैसे मोती के संपर्क में आकर धागे का भी तो मूल्य बढ़ जाता है, धागा क्या हो जाता है, धागा थोड़ी कोई कीमती होता है, मोती कीमती होते हैं, है ना। तुम्हारे ऐसे ही मैं भी तुम्हारे संपर्क में, तुम्हारी भक्ति में आ गया हूँ, तो मैं भी क्या हो गया हूँ, पवित्र
हो गया हूँ, मेरी भक्ति भी आपके संपर्क में आकर, मतलब मैं निखर गया हूँ, मेरा निखार आ गया है। हे प्रभु जी, तुम स्वामी हम दासा, हे प्रभु तुम मेरे स्वामी हो तो है ना, और मैं तुम्हारा दास हूँ, मैं रैदास जो है वो तुम्हारे चरणों में इसी प्रकार दास की भावना से भक्ति भाव रखता है, अपने आप को अर्पित करता है। ठीक है, इस तरह से इसमें, अब इसमें कभी कभी काव्य सौंदर्य भी लिखने को आपको आता है, हो सकता है आप लोग को आता हो, है ना। तो काव्य सौंदर्य में बेटा बहुत ही कॉमन कॉमन चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज होती है कि आपको इसकी भाषा के बारे में बताना है, कि आपको पहले ही बता दिया रैदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है ना, ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और उसमें अवधी और राजस्थानी भाषा का मिश्रण है। तो सबसे पहला पॉइंट यही बन जाता है कि पद में ब्रज अवधी राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा आपका क्या बनता है कि भाषा सरल सरस सहज और रोचक है ना, बिल्कुल सरल है। और शैली क्या होगी, भावात्मक हो गई, इस तरह से आप लिख सकते हो, लयात्मक हो गई, लय है ना, तुम पानी समानी मोरा चकोरा, तो इस तरह के। और फिर इसमें तुलना की गई है ना, कि चंदन पानी की इस तरह से तुलना की गई है भगवान की और अपनी, तो तुलनात्मक भावों द्वारा तुलना भावों द्वारा उपमा अलंकार का, उपमा दी गई ना, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये कॉमन चीजें कुछ होती हैं, आपको इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। फिर है नेक्स्ट, ऐसी लाल तुझ बिन कौ नू करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे, जाकी छोती जगत कऊ लागे ता पर तुम ही धरे, नीचा ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते ना डरे, नामदेव कबीर तिलोचनु सधना सैनु तरे, कही रविदास सुनहु रे संतहु हरि जीव ते सभे सरे। ये भी आपकी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है और पाठ जो है पद इसके कवि रैदास हैं, और इसमें उन्होंने क्या रखा है, सबका रक्षक माना है ना, कवि ने इस पद में प्रभु को सबका रक्षक माना है। अब भावार्थ ये है कि जो भगवान है उन्होंने क्या है, भगवान जो है निम्न कुल के भक्तों को भी बिल्कुल समभाव स्थान, एक जैसा स्थान देने वाले प्रभु हैं। इन्हीं का कवि ने गुणगान किया है, इन्हीं के बारे में कवि ने बताया है कि किस तरह से भगवान ने निम्न कुल में जन्म लेने वाले लोगों को भी उच्च स्थान दिया है। उन्होंने कहा है, हे प्रभु ऐसी कृपा तुम्हारे अलावा कौन कर सकता है, ऐसी लाल तुझ बिन कौनु करे, है ना, ऐसी कृपा तुम्हारे अलावा तुम्हारे बिना कौन कर सकता है। हे गरीब निवाज, मतलब गरीबों के प्रभु, हे गरीब निवाज, हे स्वामी, है ना, दीन दुखियों पर दया करने वाले, गरीबों पर दया करने वाले, हे गरीब निवाज, हे स्वामी, तुम ही ऐसे दयालु हो जिसने मुझ जैसे अछूत और नीच के माथे पर भी राजाओं जैसा छत्र रख दिया। हमने पहले पढ़ा था ना, वहां का जो था सुल्तान, उसने अपने यहाँ बुलाया था इनको, ठीक है, तो राजाओं जैसे छत्र रख दिया है, मतलब इतना ऊंचा राजाओं जैसा सम्मान दिया है, जिसे संसार अछूता मानता है उसे तुमने इतना बड़ा सम्मान दिया है। हे स्वामी, जाकी छेत जगत कौ लागे ता पर तुम ही धरे, हे स्वामी तुमने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है, मुझ पर तुम दयालु हो गए हो। हे गोविंद, हे भगवान, हे गोविंद, हे भगवान, आपने ऐसा मुझ जैसे नीच प्राणी पर भी इतना उच्च सम्मान प्रदान किया है, ऐसा करते हुए भी तुम्हें किसी का भी डर नहीं लगा,
तुम किसी से नहीं डरे, तुम्हारी ही कृपा से। कौन कौन? नामदेव, कबीर, तिलोचन, साधना, सेनु, ये जो सामान्य और निम्न कुल के जो लोग थे वो भी संसार से तर गए। यानी इनका भी, जैसे नामदेव हैं, कबीर हैं, कितने बड़े संत कवि हैं, इन सभी को भी भगवान ने बहुत ऊंचा पद दिया, जिनके दोहे, जिनके इनको पढ़कर हम आज भी बिल्कुल वैसा ही लगता है कि इन्होंने, क्योंकि इन्होंने क्या है, जनमानस की भाषा में लिखा। सभी कवियों ने, रैदास हुए, कबीर हुए, है ना, जनमानस की भाषा में लिखा, जो वहां प्रचलित था उसी को लिखा, ऐसे नहीं बनावटीपन कुछ नहीं लिखा इन्होंने। तो इसीलिए ये क्या हुए, फेमस हो गए, और आज तक हम इनके दोहे पढ़ते हैं तो भी हमें ऐसा लगता है कि हाँ, ये आजकल की बातों को लेकर ही लिखा गया है, है ना। तो इसीलिए उन्होंने कहा, ये जैसे सब क्या है, संसार से तर गए, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। रैदास कहते हैं, कही रविदास सुनहु रे संतहु, हरि जव जीउ ते सभे सरे। रैदास कहते हैं कि हे संतो सुनो, हरि जी यानी भगवान जी की सब कुछ करने में समर्थ हैं। भगवान जो हैं सब कुछ करने में समर्थ हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका भी काव्य सौंदर्य यही होगी, भाषा कैसी है, ब्रज भाषा, अवधी और राजस्थान, इन सभी मिश्रित भाषाओं का प्रयोग किया गया है। भाषा बिल्कुल सरस, सरल और रोचक है, लयात्मक है, है ना। संत कवियों के नाम का उल्लेख किया गया है इसमें, थोड़ा एक दो चीज तो देखो एक्स्ट्रा होती है ना बेटा जी, तो वो आप देखेंगे। तो इस तरह से आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रभु की कृपालुता और भक्त वत्सलता को वाणी प्रदान की गई है, मतलब इसमें भक्त के कितना प्यार कर रहे हैं भगवान, और भगवान कितने कृपालु हैं, ये भी इसमें बताया गया है। तो इस तरह से ये हम काव्य सौंदर्य इसमें लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।